अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक लैंग्वेज वेरिएशंस, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लैंग्वेज वेरिएशंस, लैंग्वेज वेरिएशंस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स दैट पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लैंग्वेज के बहुत सारे वैरायटीज़ है, बहुत सारे टाइप्स है जो कि लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और अपने मैसेज, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कन्वे करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई आर देयर सो मैनी वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, लैंग्वेज इज यूज बाई ह्यूमन बींग्स। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन वो एक सोशल एनिमल है जो कि अपनी नीड, अपनी जियोग्राफी, अपने क्लास और स्टेटस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को बोलता है, और यही सी लैंग्वेज की बहुत सारी वैरायटीज बन जाती है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट लैंग्वेज वेरिएशंस। The first one is geography, the second one is occupation, the third one is education, age, gender, racial origin and social class. These are some of the major factors which affect language variations. There are so many varieties of language, but the most common ones include dialect, sociolect, idiolect, register and pidgin. The first and most common variety of language is dialect. डायलेक्ट को उर्दू में बोली भी कहते हैं, एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रोनंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। डायलेक्ट लैंग्वेज की वो वैरायटी होती है जो कि प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकेबलरी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, और डायलेक्ट की वजह से ही पता चलता है कि बोलने वाले का ताल्लुक किस रीजन से है। क्योंकि हर रीजन का डायलेक्ट दूसरी रीजन से मुख्तलिफ होता है, इसीलिए डायलेक्ट को लिंग्विस्टिक्स ज्योग्राफी भी कहते हैं, एंड द स्टडी ऑफ डायलेक्ट इज़ नॉन एज डायलेक्टोलॉजी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कि जितनी भी डायलेक्ट्स हैं दे आर ऑल म्यूचुअली इंटेलिजिबल, यानी कि जितनी भी डायलेक्ट्स हैं एक लैंग्वेज के वो सारे स्पीकर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायलेक्ट्स चेंज एट एवरी 100 मीटर्स, हर 100 मीटर के बाद डायलेक्ट वो चेंज होती है और वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, दो दीज टू डायलेक्ट्स आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनंसिएशन, बट द स्पीकर्स ऑफ दीज टू डायलेक्ट्स दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज पाकिस्तानी पंजाबी एंड इंडियन पंजाबी। हम सब जानते हैं कि पंजाबी इंडिया में भी बोली जाती है और पाकिस्तान में भी बोली जाती है, लेकिन अगर इन दोनों स्पीकर्स की इंटरेक्शन हो जाए तो वो एक दूसरे को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द थर्ड एग्जांपल इज पश्तो स्पोकन इन केपी एंड पश्तो स्पोकन इन बलूचिस्तान। द सेकेंड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इज सोशियोलेक्ट, एंड इट इज डिफाइंड एज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सोशल क्लास। सोशियोलेक्ट इज ऑल्सो नोन एज सोशल डायलेक्ट एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्लास। सोशल डायलेक्ट की बेस सोशल क्लास या सोशल बैकग्राउंड होती है। एक स्पीकर जो बोल रहा है वो किस एज का है, उसकी एजुकेशन कितनी है और उसका ऑक्यूपेशन कौन सा है, यानी कि स्पीकर का कोई भी सोशल फैक्टर हमारा सोशल डायलेक्ट होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशियोलेक्ट इज अमेरिकन इंग्लिश एंड द इंग्लिश स्पोकन बाई अफ्रीकन अमेरिकन। द थर्ड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इज इडियोलेक्ट। As we all know, दो लोग कभी भी एक जैसे लैंग्वेज नहीं बोल सकते और इसी को हम idiolect कहते हैं। An idiolect is a person specific unique way of speaking. हर इंसान के बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, and this includes a person's vocabulary, grammar and pronunciation. The fourth variety of language is register, and it is defined as the situational and occupational usage of language is called register. रजिस्टर के लिए एक ख़ास सेटिंग या पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है, और हर फील्ड का अपना एक रजिस्टर होता है, यानी कि हर फील्ड की अपनी एक टेक्निकल वोकेबलरी होती है। फॉर एग्जांपल, लॉ का एक अलग रजिस्टर होता है, मेडिकल फील्ड का अपना एक अलग रजिस्टर होता है, जबकि रिलीजन का अपना एक रजिस्टर होता है, और इन सारी फील्ड्स की वोकेबलरी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और इसको सिर्फ उस फील्ड के लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The fifth variety of language is pidgin. The word pidgin is derived from the Chinese word which means business, and it is defined as a pidgin is a reduced language resulting from contact between groups with no common language. Pidgin language ki wo variety hai jo ki business purposes ke liye banayi jati hai temporary basis par, aur isi liye isko trade language bhi kehte hai.
The most common examples of pigeon include Nigerian pigeon, dog pigeon, and Chinese pigeon English. So this was all about today's lecture. I hope this video is helpful for you. And thank you for watching this video.